नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं यश गोरी। खबरों की शुरुआत करेंगे रायपुर से। रायपुर में अब से कुछ देर बाद ही वमन कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मोहर लगाई जाएगी। मंत्रालय में हो रही कैबिनेट की बैठक में गायों की मौत के बाद राज्य सरकार द्वारा कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल की अध्यक्षता में बनाई गई मंत्रिमंडलीय समिति की रिपोर्ट पेश की जाएगी और समिति की अंतिम बैठक 11 अप्रैल को हुई थी। इसके अलावा बैठक में 5 लाख नए दिव्यांग शामिल किए जाने हैं और 11 मई से शुरू हो रही विकास यात्रा और राज्य में पेयजल संकट को लेकर भी चर्चा होगी। तो रायपुर में अब से कुछ ही देर बाद वमन कैबिनेट की बैठक होनी है, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मोहर लगाई जाएगी। ग्राफिक्स के जरिए हम उन मुद्दों को बता रहे हैं जो आज इस कैबिनेट की बैठक में रखे जाएंगे, जिस पे चर्चा की जाएगी और चर्चा के बाद इन मुद्दों पर पूर्ण सहमति के बाद मोहर लग सकती है। तो कई अहम प्रस्तावों पर आज मोहर लगने की उम्मीद जाहिर की गई है। विकास यात्रा और राज्य में पेयजल संकट को लेकर भी चर्चा की जाएगी। गायों की मौत के मामले में एक रिपोर्ट जो पेश होना था वो आज पेश की जाएगी और मंत्रिमंडलीय समिति की रिपोर्ट पेश की जाएगी। तो कैबिनेट बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी है। ग्राफिक्स के जरिए हम लगातार आपको बता रहे हैं कि किन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और कितनी खास ये आज की वमन कैबिनेट की बैठक बताई जाती है, क्योंकि आपको ये भी जानकारी दे दें कि सीएम डॉक्टर रमन सिंह 4 दिन के प्रवास पर दिल्ली में थे और उसके बाद वो कल ही पुनः रायपुर लौटे हैं, जिसके बाद उन्होंने कल अपना सारा कार्यक्रम रिजर्व रखा और उसके बाद आज ये जो बैठक है वो बेहद अहम और महत्वपूर्ण बताई जाती है। तो रमन कैबिनेट की बैठक अब से कुछ ही देर में शुरू होगी और बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक बताई जाती है। मनोज सिंह बघेल छत्तीसगढ़ संपादक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, जिनसे और ज्यादा जानकारी लेंगे। मनोज जी, अब से कुछ ही देर में रमन कैबिनेट की बैठक होनी है, बैठक का क्या एजेंडा और किन कौन कौन से मुद्दे इस बैठक में रखे जाएंगे जिनमें चर्चा के बाद मोहर लगेगी? देखिए, बैठक 11:30 बजे से मंत्रालय में आयोजित की गई है। अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह मंत्रालय के लिए रवाना होंगे और आज जो बैठक रखी गई कैबिनेट की, उसका मुख्य एजेंडा ये है कि जो विकास यात्रा सरकार निकालने जा रही है 11 मई से, उस विकास यात्रा का रूट मैप क्या होगा, उस दौरान किन किन विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाना है, इन तमाम बातों पर कैबिनेट के सहयोगियों से वो चर्चा करेंगे। 1.5 घंटे की ये बैठक रखी गई है, 11:30 बजे से 1 बजे तक ये बैठक होगी और मुख्य तौर पर यही बताया जा रहा है कि रूट चार्ट जो तैयार किया गया है विकास यात्रा के लिए, इसके अलावा जो मंत्री हैं, सरकार के मंत्री हैं, वो उनकी क्या भूमिका होगी विकास यात्रा में, इन सभी बातों को लेकर मुख्य रूप से ये बैठक आयोजित की गई है। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण विषयों पर कैबिनेट में चर्चा हो सकती है, लेकिन अभी एजेंडे की विस्तृत तौर पर जानकारी नहीं मिली है, लेकिन बताया ये जा रहा है मुख्य तौर पर जो मुख्यमंत्री सचिवालय के हमारे सूत्र हैं कि जो विकास यात्रा है मुख्य तौर पर उसी से ये पूरी बैठक जो है फोकस रहेगी। बिल्कुल। और मनोज जी, साथ ही जो प्रदेश में लगातार जो पेयजल संकट गहरा रहा है, क्या इसको लेकर भी कोई चर्चा हो सकती है और कोई अल्टरनेट व्यवस्था की जा सकती है कि कैसे जो लोग त्राहिमाम की स्थिति में आ रहे हैं उनके लिए व्यापक पानी की व्यवस्था करवाई जा सके? बिल्कुल, जल संकट की स्थिति है। जल उपयोगिता समिति की बैठक हुई थी पिछले माह, उसके आधार पर निर्णय लिया गया था कि प्रदेश के सभी जलाशयों में जो पानी है उसको जो है नहरों के जरिए तालाबों तक भेजा जाए, जिससे निस्तारी की व्यवस्था हो। तो निस्तारी की व्यवस्था तो लगभग हो चुकी है, लेकिन पेयजल से निपटने के लिए सभी जो नगरीय निकाय हैं, जो गाँव के आसपास जहाँ पर अवर्षा की स्थिति हुई थी और जो जल जो सूखा क्षेत्र घोषित किए गए हैं, वहाँ पर आसपास कैसे पानी की व्यवस्था की जाए, इस बात पर भी कैबिनेट में चर्चा हो सकती है। गायों की मौत को लेकर भी एक मतलब इसमें चर्चा हो रही है कि गायों की मौत को लेकर भी कैबिनेट में चर्चा की जाएगी, इसको लेकर क्या स्ट्रैटेजी है? देखिए, अभी मुझे ऐसा नहीं लगता कि गायों की मौत को लेकर कोई ऐसी चर्चा होगी, क्योंकि पहले ही जब कई गौशालाओं में गायों की मौत हुई थी और उस दौरान मंत्रिमंडल की एक उप समिति बनाई गई थी जो इन व्यवस्थाओं की निगरानी करेगी, तो सरकार उसमें पर्याप्त व्यवस्थाएं कर चुकी है, उसका पूरा जांच करा चुकी है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि आज की बैठक में इस पर कोई चर्चा हो सकती है। शुक्रिया मनोज जी चर्चा में शामिल होने के लिए।
मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह आज नया रायपुर के सेक्टर 19 में जनसंपर्क विभाग की सहयोगी संस्था छत्तीसगढ़ संवाद के नवनिर्मित कार्यालय भवन और ऑडिटोरियम का लोकार्पण करेंगे। संचालक जनसंपर्क और छत्तीसगढ़ संवाद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी राजेश सुकुमार टोप्पो ने बताया है कि लोकार्पण समारोह के बाद छत्तीसगढ़ संवाद के नए भवन में अगले दिन यानी 28 अप्रैल को मीडिया संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक विभिन्न सत्रों में विषय विशेषज्ञों के व्याख्यान आयोजित होंगे।